आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। सुदेश की पदयात्रा ने बदला माहौल, लोगों का भरोसा बढ़ा। आजसू सुप्रीमो ने जोड़े हाथ, जनता ने दिया आशीर्वाद। उत्साह से लबरेज दिख रहे हैं आजसू कार्यकर्ता। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। पदयात्राएं जमीन पर की जाती है, पर उनका असर दिल तक होता है। कई बार तो इनका असर इतना काम करता है कि क्षेत्र के लोगों का मूड बदल जाता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सुदेश ने पतरातू से राहे चौक तक पदयात्रा की और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुरूप शासन पद्धति की वकालत की। इस पदयात्रा में वे चल महात्मा गांधी के आदर्शों पर रहे थे और जनसभा में बोल नेताजी सुभाष की तरह रहे थे। इन दोनों का असर क्या हुआ ये तो बाद में समझ आएगा, पर इतना तो साफ दिखा कि पदयात्रा में सिल्ली की जनता सुदेश के साथ चल रही थी और अड़की हो या राहे की जनसभा उन्हें गंभीरता से सुन रही थी। सुदेश की 3 अक्टूबर को की गई पदयात्रा का विश्लेषण करती दयानंद राय की रिपोर्ट। आशीर्वाद बड़ी काम की चीज होती है और जनता का आशीर्वाद तो काम की चीज होती ही है, क्योंकि इनमें वह ताकत होती है जो किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुँचा सकती है। जनता का आशीर्वाद विधायक बना सकती है, सांसद बना सकती है, मंत्री बना सकती है और क्षेत्र से ऊपर उठकर पूरे देश से मिल जाए तो प्रधानमंत्री तक बना सकती है। सिल्ली की जनता से इसी आशीर्वाद की ख्वाहिश लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने 2 अक्टूबर को अपने क्षेत्र में आदर्श उच्च विद्यालय पतरातू से राहे के नेताजी सुभाष चौक तक लगभग 12 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। पदयात्रा की शुरुआत उन्होंने दिन के 3:43 पर आदर्श उच्च विद्यालय से सटे मैदान में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण करके की। मौका महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का था और सुदेश इस मौके पर चुके नहीं। वे महात्मा गांधी तो नहीं है, पर पूरी यात्रा में उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की कोशिश की। राह में जो भी उनसे मिला उन्हें सुदेश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बदले में कहीं फूल मालाएं मिली तो कहीं प्रत्युत्तर में उसी तरह जुड़े हाथों से मिला अदृश्य आशीर्वाद। कहीं चेहरे पर मुस्कान मिली तो कहीं बच्चों का साथ, और सुदेश जैसे सबके साथ होकर पूरी राह चले और पूरी सिल्ली उनके साथ चली। लगभग 10,000 लोगों का साथ पाकर सुदेश भरी दोपहरी में लाल तौलिए से चेहरे पर छाए पसीने को पोंछते हुए भी प्रश्नचित दिखे। सुदेश ने इस यात्रा को गैर राजनीतिक बताया और शाम 6:30 सुभाष चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि वे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के अनुरूप विकास का स्वप्न देखते हैं और अवसर मिलने पर इसे धरातल पर उतारने में देरी नहीं करेंगे। सुदेश ने गांव की राजनीति की वकालत की। 12 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करने के बाद सुदेश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गांव की चौपाल जो तय करती है वही सरकार तय करे, इसके लिए जनादेश मांगने आया हूं। आप फौलादी ताकत के साथ जुड़िए और क्षेत्र का परिदृश्य बदल दीजिए। आपका बेटा विश्वास दिलाता है कि वह प्रदेश का दृश्य बदल कर रख देगा। मौके पर उपस्थित लोगों की भीड़ जिस गंभीरता से सुदेश को सुन रही थी उससे यह साफ झलक रहा था कि 12 किलोमीटर की पदयात्रा में बहा सुदेश का पसीना व्यर्थ नहीं गया है और आसन विधानसभा चुनाव में उसका असर होगा। इस दौरान सुदेश बेफिक्र भी दिखे और साफ कहा कि मुझे परवाह नहीं कि शासन कौन चलाएगा। पदयात्रा का असर क्या हो सकता है यह जानने के लिए जब पदयात्रा में शामिल लोगों से बात की गई तो दना डी के जगदीश कुमार महतो ने बताया कि सिल्ली में आजसू का बोलबाला है। गांधी जी के दर्शन को जीवंत करने के लिए उनकी 150वीं जयंती पर सुदेश ने पदयात्रा की है। वहीं पंकज कुमार ने कहा कि क्षेत्र से जीतकर पहले अमित महतो और बाद में सीमा महतो भी विधायक बनी है, पर जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। अब सुदेश महतो यहां से जीते तब ही क्षेत्र की जनता की तकदीर बदलेगी, क्योंकि जो सुदेश क्षेत्र के लिए कर सकते हैं वह दूसरा कोई विधायक नहीं कर सकता। सुदेश ने क्षेत्र में इतना विकास कार्य किया फिर भी हार गए। इस सवाल के जवाब में सोनाहातू के विद्याधर महतो ने कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है। कई बार जनता जब अपने जनप्रतिनिधि से जिस परिणाम की उम्मीद करती है वह साकार नहीं होता तो वह जनप्रतिनिधि बदल कर देखती है। सिल्ली की जनता ने 2 जनप्रतिनिधि बदल कर देख लिया है, पर सुदेश का क्षेत्र के प्रति लगाव और यहां के लोगों की तकदीर बदलने का जज्बा बरकरार है। इस बार जनता सुदेश को मौका दे सकती है। गांव तक सुविधाएं पहुंचाना आजसू की राजनीति का मकसद।
सुदेश महतो ने साफ कहा कि शहर जैसी सुविधाएं गांव के लोगों तक पहुंचाना आजसू की राजनीति का मकसद है। उन्होंने कहा कि 2012 से लेकर 16 में संचालित सरकार की योजनाएं क्षेत्र तक नहीं पहुंची हैं और यदि सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच रही तो कहीं न कहीं तो समस्या जरूर है। सरकार की शत प्रतिशत योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाना आजसू की राजनीति का मकसद है। उन्होंने कहा कि चौपाल की राजनीति के विषय में कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं और यही चौपाल की राजनीति की वकालत महात्मा गांधी करते थे। सभा से पहले पूरी यात्रा में जगह जगह कई स्थानों पर सुदेश का स्वागत ढोल नगाड़ों की गूंज और लोगों के आभार से हुआ। कई स्थानों पर लोगों ने सुदेश महतो के पैर छुए और कई स्थानों पर सुदेश ने उनका हालचाल पूछा। पदयात्रा में सुदेश के साथ चल रही महिलाओं की शिकायत थी कि उन्होंने इतनी लंबी पदयात्रा में पानी का इंतजाम क्यों नहीं किया, पर यह इतनी महत्वपूर्ण शिकायत नहीं थी। महत्वपूर्ण यह था कि लोग सुदेश के साथ थे और सुदेश की कमियों को दरकिनार कर वे उनकी खूबियों को पहचान रहे थे। वह यह देख रहे थे कि दो बार हारने के बाद भी सुदेश ने न लोगों से मिलना छोड़ा है और न क्षेत्र में जाना। सुदेश का हारने के बाद भी क्षेत्र के लोगों के लिए डटे रहने का जज्बा लोगों में कहीं न कहीं सुदेश के प्रति सहानुभूति का भाव जगा रहा था और इसका असर चुनाव में दिख सकता है। इस यात्रा से पहले सुदेश ने अड़की में स्वराज अभियान जनादेश यात्रा का शुभारंभ किया और गांव की राजनीति की वकालत की। सुदेश की यह पदयात्रा और पदयात्रा के दौरान निकला पसीना क्या रंग लाएगा, यह तो चुनाव खत्म होने के बाद आने वाले नतीजे बताएंगे। पर इतना तो तय है कि सुदेश ने इस पदयात्रा को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।